गांव में तो नहीं घुसन नहीं था, सीधी सी बात है। किनको? भाजपा वालों को। कतई नहीं घुसन देने के, चाहे जो हो जाए। भाजपा का पूरा विरोध है इस बार, पूरा विरोध है। भैंसवाल को मंत्री निकाल दिया था, मंत्री भगा दिया था मंत्र संजीव बालियान। हाँ, भैंसवाल वालों ने भगा दिया था। सब झूठे हवाई फेर कर रहे, हवाई और कुछ नहीं इनके दौरे, झूठ बोलना चुवार। इस कितनी झूठी पार्टी पूरी दुनिया में नहीं मिलने की, पूरी दुनिया में कोई भी एक रुपया नहीं बढ़ा इसने महंगाई। जैसे महापंच जब है तो किसानों को अगला कदम क्या होगा? हम देखो संयुक्त मोर्चा क्या फैसला ले, फिर उसी का आधार पर चलेंगे। गांव में तो नहीं घुसन नहीं था, सीधी सी बात है। किनको? भाजपा वालों को। कतई नहीं घुसन देने के, चाहे जो हो जाए। भाजपा का पूरा विरोध है इस बार, पूरा विरोध है। भैंसवाल को मंत्री निकाल दिया था, मंत्री भगा दिया था मंत्र संजीव बालियान। हाँ, भैंसवाल वालों ने भगा दिया था। नहीं, जैसे किसान आंदोलन पिछले 9 महीने से दिल्ली पर है, हमारे 650 किसान से ज़्यादा शहीद भी हो गए हैं, लेकिन किसी ने, मैं यही बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी कोई ट्वीट सरकार की तरफ से नहीं आया है। नहीं कहा, नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? क्या कहें इसके बारे में बताएं? इस्तबत्ती बेशरम राजा हो सकेगा कोई? वो है इस्तबत्ती बेशरम राजा है, मोड़े राजा कौन कहा मेरे हरी राजा क्यों कहो हम मोड़े सरकार है यार के दो तरफ मैं मंत्री मैं फलाना। जैसे आज किसान पंचायत लाखों की संख्या में किसान यहाँ हैं आज। आप यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, आपको क्या लगता है उत्तर मुजफ्फरनगर से अलग और कहीं पर क्या किसानों के कृषि बिलों के खिलाफ हैं? मैं खुद हरियाणा दायर हूँ, ठीक है, पूरी अपने देश से जो हर स्टेट में आदमी है जो किसानों के खिलाफ है। अरे यहाँ अपने तो जो गठित हो गया तो साहिब हरियाणा पंजाब यूपी नूना उत्तराखंड आए गए, लोग तो रहते थी लोग आएंगे। ट्रेलर उड़े दिखाई दिया था, आ गया सरकारी अड़ान की बारी, इस सरकार के टाइम अड़े योगी ने दिखाई दिया, मोदी ने दिखाई दिया के चीज। हाँ, तो किसानों का अगला कदम क्या होगा पंचायत के बाद? किसानों का अगला कदम तो ये सरकार ने हराने का कदम, सीधी बात से यह सरकार नहीं छोड़ देंगे। भाजपा को हटाना है? हाँ, इसको हटाना, बिल्कुल साफ बनाना है। पहले की तरह जीरो आनी है इसकी। पहले बुजुर्ग बुढ़े आदमी को कह करता बोले यह है पूंजीपतियाँ सरकार है, यह बात सही थी, यह पूंजीपतियाँ सरकार है, आगे इसको हटाने का काम करेंगे, जीरो पर लेने का काम कराएँ। अच्छा, किसानों की असली समस्याएँ क्या हैं? जो सही प्रमुख समस्याएं हैं किसानों की में क्या है? माहिर तो समस्या भी बहुत दिन पहला कह ली मामना, ये तो समस्या सारा देश की हो रही है यार। सारा सौदा भूखा मिल गया, हर वर्ग भूखा इसमें। मगर पेमेंट हमारे नहीं आ रहे, कते एक रुपया नहीं देते हर साल, चार साल तक एक पैसा नहीं बज रहा चार साल तक। सारी समस्या सारे। सरकार तो बार बार कह रही है कि किसानों के हित में काम किया गया है, जैसे 2016 में वादे किए गए थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी। ₹5 में दूनी हो गया है, नु बता 98 साल भी नहीं पड़ता। इधर देखो दुकान, 98 साल भी नहीं पड़ता, ₹5 में दूनी होने लग रही है, 5 हम दे देंगे उल्टे, बता दो दूनी होती हो। बिजली के बिल हम ही दे देंगे, दूनी कर दे बिजली के बिल। आज एग्रीमेंट कर ले अगले साल का, बढ़िया चाचा बढ़िया, बहुत अच्छे चाचा। एग्रीमेंट कर लेना अगले साल का, फसल बेचा के दूनी दे दिया हमें पीछे, बिजली 4 गुनी मीटर लगा। हां, तो फिर ये किसानों के हवाले कर दे, किसान चलाएंगे फैक्ट्रियां, फिर इनको बताएंगे कि फैक्ट्रियों से कैसे हम लोग इनको मुनाफा देते हैं। ये जवान जो आज का है, ये जाग उठा है, ये सब अपना कर सकता है, ये नहीं कि सरकार जो भी करेगी अपनी मनमानी करेगी।